अमेज़न के वर्तमान उत्तर पश्चिम ब्राजील से कोलंबिया और पेरू कुछ दक्षिण अमेरिका देशों तक फैले हुए हैं और दुनिया में मौजूद सबसे बड़े अमेज़न जंगलों में सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ पेड़ पौधों की इतनी जगह है कि अमेज़न की ज़मीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती क्योंकि इसे दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। अमेज़न का जंगल इस दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल है। आज हम इस जंगल के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्य बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर एक, ऐसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने की दावा किया जाता है लेकिन अमेज़न जंगलों में विशालकाय सांप मौजूद हैं जिन्हें समय समय पर लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों की माने तो वहाँ विशालकाय सांपों की मौजूदगी भी आम बात है। चलिए विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक हो सकते हैं और विलुप्त हो चुके टाइटनोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फीट तक का पाया गया था। पेप्फीफेस नाम के दक्षिण अमेरिका की खोजकर्ता ने अमेज़न के जंगल में जीवन भर शोध किया है। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फुट लंबा एनाकोंडा देखने की और गोली मारने की दावा किया है। इसके बाद खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा को देखने का दावा भी किया था। उनका पूरा जीवन उन्ही जंगलों में शोध करते हुए बीता था, इसीलिए उन्होंने कई ऐसे रहस्यमय जीव दिखाई दिए जो हैरान कर देने वाला था, जैसे 6 फीट लंबे पैर वाली मकड़ी जिसकी कहानियां वहां के कबीलों में पहले से ही प्रचलित है। साल 1992 में अमेज़न जंगल में एक पादवी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था और अमेरिका के रहने वाले एक वैज्ञानिक के दल ने ये दावा किया था कि दुनिया का सबसे लंबा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा है। अमेज़न के जंगलों में आज भी कई तरह तरह के आदिवासी जनजाति पाई जाती हैं। किनारे पर रहने की वजह से कुछ जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के बहुत अंदर आती हैं जिन्हें आज तक इंसानों ने भी नहीं देखा है। ये आदिवासी लोगों को देखकर हमला भी कर देते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनके बस्तियों के आसपास कोई भी भटके। जानकारों के अनुसार यहाँ एक ऐसी भी जनजाति रहती है जिसका सदस्य बहुत ही लंबा है और उनकी आँखें नीली है। अमेज़न के जंगलों में हजारों पेड़ पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन जंगलों में हजारों लोग गुम हो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। कुछ लोग खोजी दलों की वजह से बचा लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो एक ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के काफी अंदर विशालकाय पेड़ है जो कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखने की दावा भी किया है। कहना है कि अमेज़न जंगलों की कुछ आदिवासी जनजाति दरअसल कुछ लोगों को पकड़कर इन्हें पेड़ों का शिकार बनाती हैं और इन्हें बलि चढ़ाती हैं। कई लोगों ने विशालकाय मकड़ी को इंसान के शिकार करने का दावा भी किया है। पेप्फीफेस, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, दरअसल उनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। इनका मानना है कि अमेज़न के जंगलों में कहीं एक उन्नत प्राचीन शहर छुपा हुआ है जिसका घर चांदी और सोने का बना हुआ है। वो इस शहर का खोज सालों तक करते रहे। इस शहर की खोज में उन्होंने कई जीवों को देखा और कबीलों से मिले भी। सालों तक जंगल में रहने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता लग चुका है जिसे सिटी ओजी कहते हैं। दरअसल उन्हें एक लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था। उसे एक पुर्तगाली ने लिखा था। उस खोजकर्ता ने दस्तावेज में लिखा था कि उसने एक जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाली सिटी देखी है। फुसट ने जैसे ही पढ़ा खोज पर निकल गए। वो अपने बेटे, उसके दोस्त और दो ब्राजीलियन मजदूरों के साथ उस शहर की खोज में बंदूकें और सेफ्टी के साथ सारे सामान के साथ निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और एक लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। लेटर में उन्होंने बताया था कि शहर के बेहद करीब है और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बस उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला।
उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा लोग गए, लेकिन वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। ये आज तक रहस्य है कि आखिर उन सभी लोगों का क्या हुआ। क्या उन्हें वो शहर मिल गया था और उन्होंने क्या वहीं रहने का फैसला कर लिया, या फिर वो किसी विशालकाय जीव का भोजन बन गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।